नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SKN EduTech पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने एक बॉक्स आ चुका है। पिछले कुछ दिन पहले मैंने Flipkart से एक कैमरा ऑर्डर किया था, जो कि Canon का EOS M200 एक मिररलेस कैमरा है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे हमें इस पैक में क्या क्या मिला है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी सारी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखिए, पैकिंग तो इसकी बड़ी अच्छी की हुई है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको निकालते हैं बाहर, इसको बाहर फेंकते हैं, इसको भी बाहर निकालते हैं। इसके साथ जो इसका बिल है, इसको भी एक साइड पे रखते हैं, डब्बे को साइड पे करते हैं। तो इस तरह का जो हमारे बॉक्स के अंदर जो एक पैक था, वो इस तरह से था। ये हमारे पास कैमरा का बॉक्स होगा और इसके साथ हमें एक बैग भी दिया गया है। चलिए जल्दी से पहले बैग को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये कंपनी की तरफ से इस कैमरा के साथ हमें एक बैग भी दिया गया है। चलो मैं आपको बैग की क्वालिटी दिखा देता हूँ कि बैग की क्वालिटी कैसी है। आप देख सकते हैं, बैग के ऊपर भी इसकी जो ब्रांडिंग है कैनन की EOS, इसका मॉडल यहाँ पे शो हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो एक बैग है, एक बेसिक सा बैग है। तो इसके साथ इसमें कुछ पेपर वर्क दिया हुआ है इसका, तो जिसमें हम अपने कैमरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस बैग को साइड पर रखते हैं। इस तरह से बॉक्स जो है कैनन का बॉक्स है, वो हमारे सामने आएगा। आप देख सकते हैं, कैनन ने सबसे टॉप में जहाँ पे कैनन, इसमें 1+1 2 ईयर की जो वारंटी है वो दी हुई है। इसके साथ हमें एक URL दिया हुआ है, जहाँ पे जाके हमें URL टाइप करके इसकी जो वारंटी है उसको 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इसका मॉडल देख सकते हैं, EOS M200, जो कि एक मिररलेस कैमरा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी सीलिंग हुई है और इसमें लिखा हुआ है, प्लीज़ चेक कंटेंट इफ़ सील फाउंड ब्रोकन। अगर सील ब्रोकन है तो आप इसको वापस भी कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हम इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो सील है, इनको हम ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सील को ओपन कर लिया है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले हमें जहाँ पे कैनन की तरफ से एक यूज़र मैनुअल दिया गया है, मैनुअल गाइड है। तो चलिए हम इसको साइड पे रखते हैं। उसके बाद अगर हम ओपन करते हैं, यहाँ पे जो इसका जो वारंटी कार्ड है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको भी हम साइड पर रखते हैं। इस कैमरा को ऑपरेट करना है तो इसको भी साइड पर रख देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक कैनन की जो ब्रांडिंग है इस कैमरा की EOS, उस तरह का एक जो स्ट्रैप मिलता है उसको कैमरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए जल्दी से हम इसको भी साइड पे रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जहाँ पे हमें एक केबल दी गई है, जो कि एक चार्जिंग केबल है, चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। इस तरह की आपको एक केबल मिलेगी इसके अंदर, तो चलिए बैटरी को चार्ज करने के लिए काम आएगी। उसके बाद हम बात करें तो जहाँ पे जो कैमरा की जो बैटरी है जो दी गई है, चलिए जल्दी से ओपन करके देख लेते हैं। अगर हम इस बैटरी की कैपेसिटी की बात करें, आप देख सकते हो जो कैनन की ही बैटरी है, ओरिजिनल बैटरी है। इसके ऊपर जो दिया गया है, इसमें 875 मिली एम्पियर की लिथियम आयन की जो बैटरी है, तो इसको भी साइड पर रखते हैं। उसके बाद देखते हैं हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। इसके साथ हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इसमें क्या है, जिसमें हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। देख सकते हैं, ये भी कैनन की ब्रांडिंग के साथ ही आता है। आप चलिए इसको भी साइड पर रखते हैं। इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, इसके बाद जहाँ पे अगर हम बात करें, तो इसमें जो कि कैमरा की सबसे कीमती चीज़ समझो, जो कि इसमें लेंस होगा, जो किट लेंस है, आप देख सकते हैं। इसको आपने बड़ी ध्यान से रखना है। ये कैमरा का जो है, हमारे पास जो किट लेंस है वो 15-45 mm का जो किट लेंस है, वो इसके साथ हमें दिया गया है। तो चलिए हम किट लेंस को भी साइड पे रखते हैं।
इसके साथ अगर हम बात करें तो आप देखें हम कैमरा की, जिसका बेसब्री से हमें इंतज़ार था। ये डब्बे को हम साइड पर रखते हैं, आप देखते हैं कि ये कैमरा की जो फर्स्ट लुक है वो कैसी है। इस तरह से हमारे पास जो कैनन का कैमरा है EOS, आप देख सकते हैं वो हमारे हाथ में आ चुका है। ये देखिए, ये इसकी फर्स्ट लुक है, ये इसकी स्क्रीन है, जो कि 180 डिग्री हम इसको टिल्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर हमें कोई ब्लॉगिंग करनी है तो उस तरीके से जो हमारे सामने से हम इस स्क्रीन को देख सकते हैं आप, तो इसको हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने पूरे बॉक्स को ओपन कर दिया है, जहाँ पे हमारे पास पावर अडाप्टर आ गया है, हमारे पास जो स्ट्रैप है वो भी आ चुकी है, उसके साथ जो किट लेंस हमें मिलता है उसको भी ओपन कर लिया है। इस तरह की हमें कैनन की बैटरी मिलेगी, ये हमारे पास पावर केबल है। तो चलिए जल्दी से अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं। तो असेंबल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हैं आपके सामने हमारे सामने जो है कैनन का जो कैमरा है, आपने क्या करना है, जहाँ पे जो ये ढक्कन लगा हुआ है इसको आपने थोड़ा सा घुमाना है। तो घुमाने के बाद आपके ढक्कन जो ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं हमारे सामने जो ढक्कन है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब अपने किट लेंस को लगाने के लिए आपने सबसे पहले किट लेंस को लेना है। आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ इसका जो ढक्कन लगा हुआ है, आपने इस तरफ का जो ढक्कन है इस तरफ का, इसको आपने बड़े ही ध्यान से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ये देखिए, ये कैमरा यहाँ पे एक बाइट जहाँ पे निशान लगे हुए हैं और इस पे भी बाइट निशान लगा हुआ है, आप देख सकते हैं लेंस के ऊपर भी लगा हुआ है। तो जैसे ही आप बाइट निशान को बाइट निशान के उसके सीध में लाओगे, उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको रोटेट कर देना है। जैसे आप रोटेट करेंगे आप देख सकते हैं हमारा जो किट लेंस है वो जहाँ पे इसको फिट हो चुका है। उसके बाद जब आपने फ़ोटो क्लिक करने हैं, आप जहाँ से इसको ऐसे प्रेस करना है और जहाँ से आपको इसको ओपन कर सकते हैं, आपने ध्यान रखना है कि आपके लेंस को कोई भी स्क्रैच नहीं लगना चाहिए। तो चलिए दो मिनट के लिए हम इसको जो इसका फ्रंट का जो ढक्कन है उसको लगा देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमने बैटरी को किस तरह इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हैं इसके बैक साइड पे इस तरह का हमें एक दिया गया होगा, आपने इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे आप बड़ी ही आसानी के साथ जो ढक्कन होगा वो इसका ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा अब आप देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है उसको हमने किस तरह से डालना है। आप देख सकते हैं इसको इस तरह के जो टर्मिनल जहाँ पर लगे हुए हैं, आप कैमरा के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें बैटरी को इस तरह से रख के इसके अंदर उन टर्मिनल की पूरी सीध में हमें इस बैटरी को यहाँ से इंसर्ट कर देना है। आप देख सकते हैं हमने बैटरी को इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद आपने बड़े ही प्यार से इस ढक्कन को बंद कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है वो भी इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका जो किट लेंस है वो 15-45 mm का जो किट लेंस है वो यहाँ पर दिया गया है। अब हम देखेंगे हमें इसको ऑन कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया था कि इसकी जो स्क्रीन है उसको हम 180 तक इसको टिल्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर हमें कोई ब्लॉगिंग करनी है, खुद की इमेज लेनी है, कुछ भी है, हम इसकी जो स्क्रीन है उसको 180 तक इसको हम टिल्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पे आप स्विच देख रहे हैं ऑन ऑफ, आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आपने लॉन्ग प्रेस करके इसको थोड़े टाइम के लिए रखना है, उसके बाद आपने छोड़ देना है। चलिए अब जल्दी से हम इसके ऊपर जितने भी बटन हैं उनकी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पे हमें एक स्विच दिया गया है, जहाँ पे ऑटो फोकस भी है, जहाँ पे हम इसको ऑटो फोकस रखेंगे तो ये ऑटो फोकस काम करेगा। कैमरा मोड पे अगर हमें फोटो क्लिक करने हैं तो इसको हमें ऐसे घुमाना है, अगर हमें वीडियो शूट करना है तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो अभी जो वीडियो शूट पे आ गया। इस तरफ एक बाइट निशान लगा हुआ, आपने उसकी सीध में सारी चीज़ों को रखना है कि अगर आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, नहीं तो आप अपने कैमरा की कोई अगर सेटिंग नहीं जानते हैं, ज़्यादा कुछ आप फोटोग्राफी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपने अपने कैमरा को ऑटो मोड पर रखना है। अगर आप इस साइड पर इस बटन को आप थोड़ा सा भी क्लिक करोगे, जैसे आप इसको क्लिक करोगे हमारे जो कैमरा की जो फ्लैश होगी वो जहाँ से ऑन हो जाएगी। अगर हमें फिर से इसको सही पोजीशन पे दोबारा रखना है आप, तो इसको फोल्ड करके दोबारा से इस फ्लैश को आप बंद भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमें जो इसका मेमोरी कार्ड है, जो सैंड डिस्क का हमें 16 GB का मेमोरी कार्ड इसमें मिला हुआ है। स्पीड की बात करें वो 48 MB/s की स्पीड है, चलो इतनी अच्छी तो नहीं है। तो जी हमें मेमोरी कार्ड दिया गया, अगर हमें मेमोरी कार्ड को अपने कैमरा में जहाँ पे डालना होगा तो आप जहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है, आप इस स्लॉट को थोड़ा सा ऐसे आपको करना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे करेंगे तो जहाँ पे आपको ये खुल जाएगा, खुलने के बाद आपने जहाँ पे अपना मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके आप अपना मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें हम जो फोटोग्राफी करते हैं, जब जो वीडियोग्राफी है उसके कैसे क्लिप आते हैं, इसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो। चलिए अब हम जल्दी से इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लेंस के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो कैनन ने जो कैमरा दिया है वो 24.1 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसमें अगर सेंसर की बात करें, इसमें सीमोस सेंसर दिया गया है जो कि ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस है। तो इसमें जो वीडियोग्राफी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस कैमरा की जो खासियत है, जो आई डिटेक्ट कर लेता है, तो इससे क्या होगा कि जिस सब्जेक्ट को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस कर लेता है। अगर हम इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, मैक्सिमम ये कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, और 4K जो वीडियो रिकॉर्ड करेगा वो 24 फ्रेम पर सेकंड पे जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और स्क्रीन के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया कि इसकी जो स्क्रीन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी टिल्ट होती है, जो कि 180 डिग्री पे हम इसको इस टच पैनल को टिल्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो किट लेंस दिया गया है वो 15-45 mm का जो किट लेंस इसमें दिया गया है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर हमें वाईफाई का सपोर्ट है और ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है, जिससे हम बड़ी आसानी के साथ अपने कैमरा से कोई भी वीडियो या कोई भी इमेज को बड़ी आसानी के साथ हम अपने स्मार्टफोन में उनको शेयर कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो आगे इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो फोटोग्राफ हैं वो कितने इफ़ेक्टिव आते हैं, क्या क्या इसमें क्वालिटीज़ है, कितने बढ़िया तरीके से ये फ़ोटो को कैप्चर करता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा। इसके द्वारा जो मैं 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा उसके भी मैं आपको शॉट दिखाऊँगा, और उसके साथ साथ हम इसको किस प्रकार से अच्छे तरीके से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं उसके बारे में मैं एक पूरा फुल ट्यूटोरियल लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा कि आप इस कैमरे के लिए जाइए, क्योंकि पहले मैं इसका रिव्यू करूँगा, देखूँगा कि इसकी आउटपुट क्या आती है, उसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ये कैमरा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो बड़ी जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि हम मैं इसका पूरा फुल रिव्यू लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।